मैं आपको एक मॉडर्न स्टडी बता रहा हूं जो आपकी नोट्स में भी इंशाल्लाह है. कौन से तरीके से हमारा रिटेंशन सबसे ज्यादा होता है, ऐसी स्टडीज की गई अलग अलग बैचेस ऑफ स्टूडेंट्स को लेकर. मिसाल के तौर पर स्टूडेंट को सिर्फ लेक्चर दिया गया, फिर देखा कि कितना याद है, तो 5% याद था. जब स्टूडेंट को मटेरियल दिया गया, कहा गया पढ़ो, पढ़ लिए, तो याद कितना है, देखा कि 10% याद है. नंबर 3, ऑडियो विजुअल के साथ सिखाया गया, तो देखा कि रिटेंशन 20% है. जब डिमॉन्स्ट्रेशन के साथ कोई चीज करके बताई गई तो 30% याद रहा. जब ग्रुप डिस्कशन में बात करते करते, डिस्कस करते करते सिखाया गया तो 50% याद रहा. आप देखिए, हम लोग डिस्कस करके पढ़ते हैं तो इसके अंदर रिटेंशन ज्यादा होता है, वो बातें ज्यादा याद रहती हैं. प्रैक्टिस बाय डूइंग, करके बताया गया कि तुम लोग ये करो, ऐसे करो, ऐसे करो, जब करे तो 75% याद रहा. लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब स्टूडेंट से कहा गया कि तुम ये पढ़े, तुम पढ़ाओ, तुम पढ़ाओ, और जब स्टूडेंट ने पढ़ाया तो उसे खुद 90% याद रहा. तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बता रहे हैं बल्ले को अन्नी वलो आया, पहुंचा दो मुझसे चाहे एक आयत क्यों ना हो, एक आयत मालूम है, पहुंचाओ. जब पहुंचाते हैं तो खुद को कितना याद रहता है, स्टडी के मुताबिक 90% खुद को याद रहता है. किसी और को बता दिए तो खुद का रिटेंशन जो 5, 10, 15, 20 हो नहीं, 90% पे होता है, सबसे ज्यादा हाइएस्ट पे होता है. तो हम देखते हैं कि जब हम किसी को बताते हैं ना तो खुद का रिविजन हो जाता है, खुद को याद अच्छा रहता है. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.